なるほど。<music> नमस्कार मैं अरविंद मेरे साथ हैं कृपा आज मैं आपको बताऊंगा अस्थमा अस्थमा के छोटी छोटी एक्सरसाइज अस्थमा क्यों होता है और अस्थमा के छोटी छोटी प्रॉब्लम जो कैसे ठीक कर सकते हो घर बैठे अस्थमा का सबसे बड़ा कारण होता है प्रदूषण जब हवा में प्रदूषण होता है तो हमारे नाक के जरिए हमारे लंग्स में वो कोस जाके चिपकते हैं और हमारे जो कोस होते हैं ना लंग्स के छोटे छोटे होते हैं मधुमक्खी के छाते की तरह और वो बंद होने शुरू हो जाते हैं और अक्सर आपको मैं बताऊं हमारे जो नीचे का हिस्सा होता है लंग्स का वो उसमें तो कभी ऑक्सीजन जाती ही नहीं क्योंकि हम डीप ब्रीदिंग करते नहीं शॉर्ट ब्रीदिंग लेते हैं वो ऊपर तक के लंग्स में जाती है और वापस आ जाती है तो इसलिए डीप ब्रीदिंग का बहुत महत्व होता है और लंबी सांस नहीं लेते तो नीचे वाले कोष धीरे धीरे बंद हो जाते हैं और हमें शॉर्ट सांस आने लगती है और हमें अस्थमा हो जाता है और प्रदूषण से धूम्रपान करने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा होता है या उन लोगों को भी होता है जिनकी कमर पीछे से हाँ। आर्च आ जाता है यूं झुक जाती है और उनको लंग्स दब जाते हैं उनको भी अस्थमा हो जाता है और बुढ़ापे में भी हो जाता है जब कमजोर पड़ जाते हैं लंग्स आपके लेकिन कुछ भी रीजन हो आपको उसको ठीक करने के लिए छोटी छोटी एक्सरसाइज और छोटे छोटे प्राणायाम और नुस्खे में बताऊंगा सबसे पहले इसके लिए जो एक्सरसाइज है वो है पीछे जाइए दोनों घुटनों पर आ जाइए उष्ट आसन में पीछे जाओ इसमें आपके लंग्स पूरी तरह से एक्सपेंड होंगे पूरे खुलेंगे जो भी एक्सरसाइज आपके लंग्स को ओपन करेगी वही आपके अस्थमे में आराम करेगी इसमें थोड़ी देर के लिए ठहरना इसके चार पांच राउंड करने अस्थमा वाले मरीजों को अब आप वापस आ जाइए दूसरा आसन सुप्त वज्रासन दोनों घुटनों पर आ जाइए और वज्रासन में बैठ के पीछे जाइए पीछे बैठ जाइए और लेटे रहो ऐसे ही इसमें भी आपके पूर, लंग्स पूरी तरह से खुले हुए हैं लंग्स खुलेंगे तो उनमें ऑक्सीजन भी ज़्यादा आएगी अब आप धीरे 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 बैठ जाइए और इसके लिए तीसरा जो आसन है वो है सीधा लेट के मत्स्य आसन दोनों कोनियों के सारे अपने सर को नीचे लगाओ और आपके पूरे लंग्स खुले हुए हैं इस आसन में लंग्स पूरे खुले हुए हैं आपका पोस्चर सीधा हो रहा तो इससे बहुत फायदा होता है अस्थमा में ये तीन आसन बहुत छोटे आसन हैं ये आपको करने हैं अस्थमा के लिए अब आप बैठ जाइए अब आपको मैं दो प्राणायाम करके दिखाता हूँ अस्थमा के लिए जो बहुत ज़रूरी हैं एक है कपाल भाती कपाल भाती में आपने क्या करना ब्रीद को बाहर फेंकना लेकिन ये कपालभा आपके कुंभक के साथ होगी मैं आपको दिखाता हूँ कुंभक के साथ कैसे होगी आपने 20 स्ट्रोक मारने और सांस को बाहर छोड़ के पेट को अंदर खींच के वहीं होल्ड करना और इसी तरह जब सांस अंदर लोगे अंदर होल्ड करना सबसे पहले अंदर लेके सांस को मैं होल्ड करता हूं देखो आप फिर बाहर बाह्य कुंभक आंतरिक कुंभक बाह्य कुंभक के साथ कपालभा करनी ये बहुत फायदा करती है और दूसरा प्राणायाम है भस्त्री का प्राणायाम जिसमें सांस को फोर्स से लेना फोर्स से छोड़ना फोर्स से लेना फोर्स से छोड़ना करो आप फोर्स से, फोर से छोड़ो फोर्स से लो आवाज के साथ आवाज के साथ पूरी इससे गर्मी पैदा होगी आपकी बॉडी में गर्मी पैदा होगी आपकी शरीर में इतनी गर्मी देगा ये प्राणायाम कि आपके जो अस्थमा है आपके जो लंग्स हैं वो खुलेंगे आपका अस्थमा कम होगा अब आपको मैं बताऊंगा कुछ घरेलू नुस्खे अस्थमा के लिए दो चम्मच गुड़ गुड़ की शक्कर या गुड़ एक चम्मच मेथी ये डेली आपने खाने हैं ये बहुत ज़्यादा काम करेंगे आपको गर्मी के दिन में सात दिन खा के रुक जाना क्योंकि मेथी बहुत गर्म होती है गुड़ भी गर्म होता है लेकिन सर्दी में आप पूरा महीना खा सकते हैं और अस्थमा तंग भी आपको सर्दी में ही ज़्यादा करेगा तो सर्दी में आप एक चम्मच मेथी का जो दाना है उसको पीस के और दो चम्मच गुड़ इन दोनों को मिला के रोज इनका सेवन करना आपने और अस्थमा में आपने अनानास बहुत काम करता है फलों में आड़ू काम करता है और अनानास का जूस काम करता है और सैतूत काम करता है और इसके लिए आपको जो हरी सब्जी है उसमें जो साग होता है वो साग भी वो लाल वाला साग जो है वो साग खाने से इसमें बहुत फ़ायदा होता है और अस्थमा में गर्म चीज़ें हमेशा फ़ायदा करती है आपको काली मिर्च फ़ायदा करेगी आपको जीरा पानी फ़ायदा करेगा जो एक चम्मच जीरे का एक गिलास पानी में पका के और एक जब एक कप रह जाए चाय की तरह सिर्फ सिर्फ करके पीने से आपको बहुत फ़ायदा होगा अस्थमा में और अस्थमा में कोई भी ठंडी चीज़ नहीं खानी जैसे आइसक्रीम होगी या कोई भी फ्रीज की चीज़ होगी या रखी हुई चीज़ होगी वो नहीं खानी हरी सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना और इसमें एक डीप ब्रीदिंग जरूर करनी रोज़ प्रैक्टिस करनी डीप ब्रीदिंग की लंबी गहरी सांस लेते जाओ छोड़ते जाओ लेते जाओ छोड़ते जाओ इसका बहुत फ़ायदा है और देखो पहले अस्थमा के मरीज़ को लंबी सांस नहीं ले सकता हो लेकिन जितनी भी ले सकता है उसको उसमें थोड़ी सी और पावर लगानी स्लोली और बढ़ाना स्लोली और बढ़ाना धीरे धीरे उसके डीप ब्रीदिंग से नीचे के लंग्स जहाँ ऑक्सीजन नहीं जाती धीरे धीरे वहाँ ऑक्सीजन जाने लगती है तो डीप ब्रीदिंग की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता है और एक और बहुत छोटा सा नुस्खा है आप गर्म टावल टावल को गर्म करके यानी कि गर्म पानी लो भिगोने में चावल निचोड़ो और छाती का सेक करो छाती का सेक कैसे करना आप सीधे लेट गए किसी ने आपके तौलिया निचोड़ा और छाती पे लगा दिया फिर दूसरा तौलिया निचोड़ा पाँच से सात मिनट गर्म चावल का सेक छाती पे करने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है अस्थमा के मरीज़ को तो ये मैंने आपको अस्थमा की छोटी छोटी चीज़ें बताई और अब अस्थमा की एक चीज़ और बताता हूँ अस्थमा के मरीज़ को कभी भी ठंडे स्थान पे या पहाड़ों पे ऊंचे जहां ऑक्सीजन कम हो वहाँ नहीं जाना चाहिए उसे अवॉइड करना चाहिए और सर्दी में गर्म कपड़े पहनने चाहिए आज के लिए इतना ही नमस्कार